प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका हर एक बार पूछा जाता है। चाहे कोई सा भी पेपर का सेट आप लोग उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं आपको उपसह संयोजक यौगिक के अंतर्गत जो IUPAC है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो इस प्रकार का यौगिक दिया रहता है, इसका आप IUPAC समझ लीजिए एकदम चुटकियों में कर देंगे। चाहे आप अभी तक इसके बारे में कुछ भी ना जानते हो, फिर भी ठीक है ना। तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ यहां पर मैं वीडियो लेकर आया हूं और 100% गारंटी भी देता हूं कि अगर इस वीडियो को देख लोगे तो फिर इसके बाद IUPAC की टेंशन तो खत्म हो जाएगी, वो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो देखो, एक एक चीज यहां पर बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे। कुछ चीजें मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं, जैसे कि यहां पर एक फार्मूला टाइप मैंने खुद से यह बनाया है, ताकि मतलब आपका जो डाउट रहता है कि कौन सा धनायनिक संकर है, कैसे ऋणायनिक संकर का नामकरण करें, वो सब चीजें देखो यहां पर पूरा क्लियर है। तो ऐसा वीडियो आपको शायद ही YouTube पर मिले, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा वीडियो तो मिलेगा नहीं लगभग मेरे हिसाब से। बाकी अब यहां पर इसको पहले देखो। तो अब देखो यहां पर ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऐसे मतलब 2 से 3 योगिक आएंगे। तो अब यहां पर 10 पूरे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी रिपीटेड भी होते हैं और ये बदलते नहीं है लगभग। तो जैसे कि दिया गया है आपके सामने एक K2 और ब्रैकेट के अंदर है आपका NiCN का होला 4। देखो ऐसे यौगिकों में आप पहले ये पहचानेंगे कि भाई इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन कौन सा है, लिगेंड कौन सा है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा पहचानना पड़ता है। यही चीज जो है इसमें स्पेशल बनाती है आपका उपसह संयोजन यौगिक में के अंतर्गत। तो इसमें देखो मैं आपको बता दूं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा ऐसे काफ़ी सारे योगिक अभी मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो में, लेकिन पूरा देख के जाएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट और लगा है, आप अगर देख पा रहे होंगे, तो ये जैसे कि है CN, इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं वैसे, लेकिन यहां पर आप बोलेंगे तो ये लिगेंड है, तो इसको साइनो बोलेंगे ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर जो अंदर छोटा ब्रैकेट है, इसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं, और इसके साथ जो जुड़ा है ये बोलते, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु आयन या केंद्रीय धातु आयन ठीक है। जैसे NI है तो ये निकिल होता है। अब देखो जब आप लोग IUPAC नामकरण करना स्टार्ट करेंगे तो पहले सबसे पहली बात क्या करना है, तो भाई आपको इसको डिवाइड करना, बोलेंगे भैया किसको डिवाइड करना है, तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको आपको बिना ब्रैकेट वाले पार्ट से बीच में से एक लाइन के तौर पर मैं आपके समझने के लिए खींच रहा हूं, इसको आप डिवाइड कर दो सीधा तौर पर। जैसे इसको आप बांट दिए तो ये आपका अलग हो गया और ये अलग हो गया। आप बोलेंगे भैया नामकरण कैसे करना स्टार्ट करें, तो भाई जो पहले पार्ट पढ़ रहा है उसी से आपको नामकरण करना स्टार्ट कर देना, मतलब कि IUPAC लिखना स्टार्ट कर देना है। जैसे K2 है ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखा जाता है सारी चीजें, तो ध्यान समझिएगा। जैसे K2 है, अब यहां पर K तो आपका पोटेशियम होता है, अब चाहे K2 हो जाए, K3 हो जाए, K4 हो जाए, उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ पोटेशियम लिखना है ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करेंगे, ये हमारा हो गया पोटेशियम। एक एक चीज़ मैं क्लियर करूंगा, आपको कहीं ना कहीं जो है टेंशन बिल्कुल नहीं आने वाली। चाहे आप लोग जितने प्रकार के आपको दे दिए जाएंगे आप आराम से करेंगे। पोटेशियम ठीक है ना, पोटेशियम ये हो गया भाई हमारा। अब देखो इसके आगे, अब हम लोग ये वाला काम कर दिए, ब्रैकेट में आते हैं। तो देखो ये जो आपका पूरा का पूरा यौगिक होता है, ये भाई पड़ता है आपका ऋणायनिक संकर में, ध्यान देना ऋणायनिक संकर में। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये सूत्र आपको दिख रहा है ना, एक धनायनिक का है और एक ऋणायनिक का है। तो ऋणायन में आपको कैसे करना है, देखो ऋणायन में सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है, तो हमारे पास धनायन था यहाँ पर क्या, K2, जो कि हमने लिख दिया इसका नाम। अब कह रहा है कि इसके बाद प्लस लगाना, तो मतलब इसके बाद अब आपको आगे करना है। फिर कह रहा है कि लिगेंड की संख्या और उसका नाम, तो देखो 4 है, 4 को आप जानते हैं क्या बोलते हैं भाई, टेट्रा बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2 को क्या बोलेंगे, डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, ऐसे बोला जाता है ठीक है, याद रख लेना। तो 4 है भाई, तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप टेट्रा, टेट्रा। अब देखो ये हो गया हमारा। इसके बाद कह रहा है कि लिगेंड का नाम लिखो, संख्या तो हो गई तो नाम लिखना है। तो CN को मैंने बताया कि साइनो होगा,
ध्यान समझना, एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी साइनों। एंड इसके बाद कह रहा है फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और एट पस लग्ने से में जोड़ना है। जैसे ये क्या है भाई, निकिल है, केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है, निकिल है, लेकिन इसमें क्या भाई एट आपको पस लग्न यानी कि निकिल के बाद आपको एट जोड़ना है इसमें, तो बन जाएगा निकिलेट। क्या बनेगा, निकिलेट। तो देखो इसका पूरा नाम क्या बन गया हमारा, निकिलेट। मैं हिंदी से कर रहा हूँ, इंग्लिश में आप करेंगे तो वही चीज़ें आएंगी, बस आपको अपनी लैंग्वेज का ध्यान देना है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया हमारा इंग्लिश मीडियम, तो आपको सेम ऐसे ही करना है। तो ये भाई हो जाएगा निकिलेट। फिर इसके बाद देखो कह रहा है कि रोमन संख्या में आक्सीकरण संख्या लिखो। देखो आक्सीकरण संख्या इसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब देखो निकिल है, इसकी आखिरकार हम लोग भैया आक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, थोड़ा सा एक बार आप प्रयास करने समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखो निकिल के निकालनी है, बिल्कुल एकदम क्लियर समझिएगा, वरना आप अगर इसमें मिस्टेक कर देंगे तो पूरा नंबर कट जाएगा। जैसे निकिल की भाई निकालनी है तो हम एक बात ये करेंगे, जिसकी हमें निकालनी होती है उसको हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, समझने का प्रयास करना। जो आपका पोटेशियम है इसमें कितना चार्ज होता है बताओ, पोटेशियम बोले भैया यहाँ पर प्लस वन चार्ज होता है इसमें, है ना, के में। और जो सीएन है साइनो, इसमें आपका क्या चार्ज होता है, तो ये लिगेंड है तो यहाँ पर इसमें आपका क्या चार्ज होता है, माइनस का वन चार्ज होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, अपनी बुक में मिलेंगी, ठीक है ना। ये लिगेंड धन आपको लिगेंड जो है ना, ऋणायनिक धनायनिक उदासीन लिगेंड, ये सब जब पढ़ेंगे बुक में बेसिक है तो ये आपको मिल जाएगा। देखो चार्ज हमें पता चल गए। अब मैंने बताया कि जिसकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर निकिल की निकालते हैं, तो देखना इसमें यहाँ पर के की संख्या कितनी है, पोटेशियम की संख्या बोलेंगे दो है, तो भाई क्या कर देंगे, दो कर देंगे। और पोटेशियम का चार्ज भाई कितना है, तो एक है, तो यहाँ पर कर दिए हम लोग एक। फिर इसके बाद प्लस लगा देना है, जो जिसकी निकालनी है केंद्रीय धातु परमाणु को उसको एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। फिर आप प्लस करिए, फिर इसके बाद साइनो, साइनो की यहाँ पर देखो आपकी संख्या कितनी है, तो बोलेंगे भैया यहाँ पर सी एन फोर है तो भाई चार इसकी संख्या हो जाएगी। एंड इसका चार्ज कितना है, तो मैंने बताया कि माइनस का वन है, देखो तो यहाँ पर गुणे में करके माइनस का वन, और इक्वल तुम भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जीरो कर देना है। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग आसानी से, तो बस आ जाएगा जो एक्स का वैल्यू वही हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, इतना बस इजी होता है समझ लो। तो जैसे कि ये हो गया टू, फिर आपका प्लस एक्स, यहां पर फोर माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में जीरो, तो एक्स यहां पर कितना हो जाएगा, फोर से ये टू गया तो माइनस का टू, तो यानी कि एक्स माइनस टू और यहां पर जीरो, तो भाई एक्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, टू। लेकिन मेरे भाई आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि एक्स का वैल्यू दो तो आ गया, तो हमने समझ लिया कि एनआई जो है निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर दो है, लेकिन सूत्र में अगर आप देखेंगे तो बताएगा कि भाई रोमन संख्या में लिखना है हमें, तो इसलिए प्यारे दोस्तों आपको यहां पर रोमन संख्या में दो को इस प्रकार से सेकंड लिखना है, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट, और दूसरे पर तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब आपका। यहां पर भी इसको डिवाइड करना है, ब्रैकेट वाला पार्ट अलग और बिना ब्रैकेट वाला पार्ट अलग कर देना है। जब इसको आप भाई अलग करोगे तो अब देखो फिर से ये सी पहले आ गया, तो जब ये पहले आ गया तो अब क्या करना है, इसी का नाम लिख देना है। तो सी ए क्या होता है, बोलेंगे भैया ये तो कैल्शियम होता है हमें पता है, तो जी हाँ यहाँ पर लिखो आप कैल्शियम। मेरे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे ना तो अच्छे अच्छे टॉपिक का हम लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम कर देंगे चुटकियों में, देखना। मैं इतना मतलब 100% गारंटी लेता हूँ कि जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वो आप कभी भूलेंगे नहीं। कैल्शियम हो गया भाई, अब आओ इसमें आओ, देखो इसमें वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है, यही वाला ऋणायनिक फार्मूला आपको लगाना, क्योंकि ये ऋणायनिक संकर है। लेकिन की संख्या और नाम, तो इसका भाई संख्या कितना अच्छा है, मैंने छः को बताया था कि हेक्सा लिखना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हेक्सा लिख देंगे, ठीक है ना, हेक्सा हो गया। एंड सी एन आपका क्या है, साइनो है भाई, तो साइनो लिख दो, साइनो हो गया। इसके बाद बढ़ो नेक्स्ट, आप देखना यहाँ पर क्या है, एफ ई है, लेकिन भाई बता रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के साथ आपका ऋणायनिक संकर जो होता है इसमें एट जुड़ता है पस लग्न यानी बाद में। तो आयरन को आप जानते हैं फेरम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर रुको रुको रुको, एट जोड़ना है इसके लिए आपको फेरेट लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, क्या लिखेंगे भाई, फेरेट, फेरेट। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर वो भी रोमन संख्या में, तो चलो भाई निकाल के बता देता हूँ आपको, क्योंकि भाई आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि भैया हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, तो आप टेंशन क्यों लेते हो। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आओ, किस प्रकार का यौगिक है, सी ए टू एफ ई सी एन का होल ऑफ सिक्स, तो सी ए टू एफ ई ऐसे करके एफ ई, और यहाँ पर क्या है भाई सी एन का होल ऑफ सिक्स, ऐसा यौगिक है ना, तो इसमें हमें एफ ई का निकालना है। देखो मैंने बताया था आपको अभी, इसमें क्या बताया था कि जिसका निकालना है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं,
CA2 है, सॉरी यक्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार से पहले इनका चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो भाई आपको देखो CN तो सेम पता है ना, CN का चार्ज कितना होता है आपका -1 होता है, और CA का पता नहीं है तो CA का याद कर लेना, CA का आपका +2 चार्ज होता है कैल्शियम का, ठीक है ना, इसमें +2 चार्ज होता है। तो देखो +2 यहाँ पर चार्ज हो गया, इसमें देखो इसकी संख्या कितनी है, CA2 है ना, इसमें देखो संख्या 2 लगा है ना, तो इसकी संख्या हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2 इसकी संख्या और इसका 2 आपका चार्ज, तो यानी कि 2 × 2, ठीक है ना। फिर प्लस लगाओ यहाँ पर, Fe की निकाली है, इसका x मानेंगे तो x हो जाएगा। फिर प्लस लगाओ, CN का आपको पता है चार्ज -1 होता है, लेकिन इसमें संख्या 6 है, तो क्या करेंगे 6 कर देंगे और गुणे में आपका इसका चार्ज कितना -1 इक्वल टू में 0, इतना हो गया ना। अब बस x का मान निकाल लो, यही हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। 2 × 4 एंड प्लस x एंड यहां पर 6 × 1 यानी कि -6 = 0, आया समझ में। अब यहां से देखना 6 से 4 गया तो कितना बचा, x माइनस का 2 = 0, x बराबर भाई 2, बस आ गया काम, है ना। तो x का मान भैया 2 आ गया, यानी कि हम समझ गए कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 2 है, तो इसको लिखेंगे रोमन संख्या में, तो यहां पर लिख देंगे सेकंड। क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल होगा। कहीं पर कोई डाउट आता है फिर से कमेंट करिएगा, फिर से मैं यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करने आपके आऊँगा और हमेशा तत्पर रहूँगा यार, आप टेंशन मत लो, बस कुछ नहीं करना, आपको एक सपोर्ट चाहिए आपसे जो है मुझे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े कि हाँ हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं। और अगर मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा तो भाई आपके लिए एकदम दिन रात मेहनत करी जाएगी, आप टेंशन मत लो। चलो तो देखते हैं फिर अगला। देखो अब भैया यहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई, क्या चेंज हो गया, अब आप ब्रैकेट वाला पार्ट और ये बिना ब्रैकेट का पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पहले पढ़ रहा है, और अगर ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले पढ़ गया तो अब फार्मूला लगेगा धन आयन संकर का। अभी तक हम कौन सा लगा रहे थे भैया, अभी तक हम लगा रहे थे ऋण आयन संकर का। ये सूत्र याद रखना, मतलब कि मैं आपके समझने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका लेके आया हूँ, समझ लो ऐसा आपको शायद ही कोई बताएगा, मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं मान हूं, लेकिन आपको यार ऐसी ट्रिक जो है अगर चाहिए तो यहीं पर मिलेंगी। तो चलो फिर धनायन संकर का नामकरण कैसे करना है, तो इसमें कह रहा है कि लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम पहले अब लिखो। तो आ जाओ फिर इसमें लिगेंड, मैंने बताया था ना कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट वाला पार्ट है ये होता है लिगेंड। अब देखो इसमें क्या है, लिगेंड H2O है भैया, H2O तो जल होता है बोलेंगे, तो जी हाँ जल होता है, लेकिन यहाँ पर इसको एक्वा बोलेंगे हम, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बोलते हैं इसको भैया, एक्वा बोलते हैं। तो देखना एक्वा यहाँ पर है, लेकिन इसकी संख्या पहले लिखना है 6 है, तो 6 को हम बोलते हैं हेक्सा, तो लिखना है आपको क्या, हेक्सा एक्वा, ये हुआ हमारा। इसके बाद कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु क्या भाई, Fe है, आयरन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एट वगैरह नहीं जोड़ना, जैसे कि हम ऋणायनी में करते थे ना कि भाई आयरन था तो इसको फेरेट कर दिए थे, लेकिन इसमें आपका ये बाद में आ रहा था, इसलिए हमारा ऋणायन में एट जुड़ता है, जो धनायन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आयरन डायरेक्ट लिख देना है, कुछ नहीं करना यहाँ पर, यहाँ पर एट वगैरह नहीं जुड़ेगा, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना कि भैया यहाँ पर तो आप एट जोड़ते थे, फेरेट लिखे थे Fe को, और यहाँ पर Fe को आयरन क्यों लिखे, तो कन्फ्यूज हो जाओ, ऐसा नहीं है, ये ऋणायन संकर है और ये धनायन संकर, यही डिफरेंट होता है। आप इतना अगर समझ गए तो भाई आपका एकदम समझ लो लाइफ सेट है। तो चलो आयरन हो गया। इसके बाद कह रहा है रोमन अंकों में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालेंगे हम, ठीक है आपके सामने। एंड इसके बाद फिर कह रहा है ऋणायन का नाम, तो ऋणायन क्या है, Cl3 है, Cl3 मतलब कि क्लोरीन या क्लोराइड बोलते हैं इसे यहां पर, ठीक है ना, 3 हो 4 हो कोई हो, Cl2 हो, आपको सिर्फ क्लोराइड से मतलब, तो यहां पर लिख दो भाई क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड, ये चीज हो गई। अब ऑक्सीडेशन नंबर भाई निकालते हैं Fe का, कितना आएगा आखिर का, तो देखना समझने का प्रयास करेंगे तो भाई आ जाएगा। मैंने यहां पर इसको पहले फार्मूले को लिखा, Fe ब्रैकेट के अंदर H2O का होल ऑफ 6 और यहां पर भाई Cl3 इतना है, इसमें हमें Fe का निकालना है, मतलब कि इसको हम मान लिए x, ठीक है ना। चलो फिर निकालते हैं। अब यहां पर एक चीज फिर से ध्यान देना, चार्ज हमें पता होना चाहिए, जैसे कि जो आपका H2O यानी एक्वा है इसमें भैया कितना चार्ज होता है, तो ये होता है उदासीन लिगेंड, ठीक है ना, याद रखना H2O यानी एक्वा होता है उदासीन लिगेंड, मतलब कि इसमें 0 चार्ज होता है, कितना चार्ज, 0 चार्ज। और हाँ जो क्लोरीन है इसमें भाई -1 चार्ज होता है ना, आप जानते हैं ना क्लोरीन 17 इसका परमाणु क्रमांक है, तो -1 चार्ज होता है भाई,
चार्ज हमें पता चला कि चलिए निकालते हैं, फिर इसको एक्स मान लेंगे, हमें इसका निकालना है, प्लस लगाएंगे, इसमें जो लिगेंड की संख्या वो कितनी छः है और इसका चार्ज कितना है जीरो, तो छः गुणे जीरो कर देंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर इसकी संख्या कितनी भैया तीन है और इसका चार्ज कितना है तो बोलेंगे भैया माइनस का वन है तो माइनस का वन कर देंगे, इक्वल टू में जीरो लगा दीजिए, बस यहाँ पर ये छः गुणे जीरो तो जीरो हो जाएगा पूरा, तो एक्स प्लस जीरो यहाँ पर तीन गुणे एक यानी कि माइनस का एक तो यहाँ पर माइनस का तीन आएगा, ये इक्वल टू में जीरो भाई एक्स माइनस थ्री आया, सॉरी एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, तो एक्स का मान कितना हो गया तीन आपका इधर जाएगा तो प्लस का तीन हो जाएगा, तो एक्स बराबर तीन भाई आ चुका है, एफ ई की जो है वैल्यू तीन आ गई, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना आया तीन आया। तो भाई क्या कर देंगे फिर यहाँ पर भैया थर्ड इसको लिख देंगे क्योंकि रोमन संख्या में लिखना है। अब तो यार आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से भाई, इतना मतलब बेसिक आपको शायद ही यूट्यूब पर कोई बताए, मैं मानता हूँ काफ़ी सारे चैनल हैं काफ़ी सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं आपका डाउट जो रहता है ना वो क्लियर होना चाहिए, चाहे कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, कितना भी मतलब आपको मैंने आज जो ये टॉपिक बताया है ना, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा इससे पहले, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया, कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया गया, तब भी आप लोग इसको समझ जाएंगे और बहुत ही मजे से समझ जाएंगे, मतलब कि जो इस होता है ना एक स्टडी का तरीका भी होता है, ऐसा नहीं कि आपको मतलब एकदम सीरियस ही रहें भाई, थोड़ा सा मजे ले लेकर पढ़ाई करो हाँ, दिमाग को रिलैक्स देकर। तो चलो फिर क्लियर ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अगला देखो नंबर फोर है भाई, अब इसको भी वही चीज़ें डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो भाई ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में आ गया, तो भैया हम पहुँच गए ऋणायनिक संकर में, ऋणायनिक संकर में पहले धनायन का नाम लिखना है जो कि एफ ही है, तो एफ ही फोर है तो फोर से तो हमें मतलब है नहीं, हमें सिर्फ इसका मतलब है एफ ही से, तो एफ ही हमारा आयरन है, अब यहाँ पर मत फेरेट वगैरह लिखना ठीक है ना, जब इसको लिखेंगे तब फेरेट लिखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको लिखना है भाई आयरन ठीक है ना, आयरन लिख देना है, एंड यहां पर एक चीज ध्यान देना बाहर थ्री लगा है तो ये क्या है आयन है, क्या है आयन है, तो डायरेक्ट पहले आयन को यहां पर इसके बाद लिख दो, यहां पर आयरन का यहां पर ये थर्ड हो गया। अब आओ इसमें आओ लिगेंड की संख्या और उसका नाम, तो भाई लिगेंड की संख्या कितनी है छह है ना, तो छह को हेक्सा बोलते हैं हम, हेक्सा लिख देंगे, एंड सीएन है तो सीएन को हम लिख देंगे यहां पर साइनो ठीक है ना, साइनो, और इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम फिर एट इसमें जोड़ो, तो भाई अब आपको फेरेट लिखना पड़ेगा क्योंकि ऋणायनिक संकर है फेरेट, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर फिर आपको वही चीज़ें मैंने तीन का देखो निकाल के बता दिया कैसे निकालना है, आप थोड़ा प्रयास आप करिएगा है ना, तो इसका यहाँ पर जो निकालेंगे आप तो यहाँ पर सेकेंड आएगा मतलब कि दो, तो इसको इस प्रकार से लिख देना है सेकेंड, तो ये आपका इसका नामकरण हो चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, तो अब देखो यहाँ से ये ऋणायन था, ये वाला पार्ट पहले था, ब्रैकेट वाला बात था, और ब्रैकेट वाला अब पहले पड़ गया और ये आपका बाद में, तो भाई ये पहुँच गया हमारा धनायन में, तो धनायन में फिर ये वाला फार्मूला लगेगा, फार्मूले का स्क्रीनशॉट कर लेना आप लोग ठीक है ना, ये वाला लगेगा, तो इसमें धनायन में देखो पहले कह रहा है कि लिगेंड का संख्या और उसका नाम लिखना है, तो लिगेंड की संख्या छह है और लिगेंड क्या भाई NH3 है, NH3 को क्या बोलते हैं यहां पर आप बोलेंगे इसको, देखिए ध्यान देना ये एमीन होता है, ऐसा नहीं कि यहां पर अमोनिया आप लिखने लग जाओ, अमोनिया फार्मूला है लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको एमीन बोलते हैं ठीक है ना, तो देखो यहां पर लिखेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, बहुत ही यार ध्यान से समझो, बहुत ही मज़ा आने वाला है अब पढ़ाई में, समझ लो बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है स्टडी का और बोर्ड एग्जाम का टाइम भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हेक्सा एमीन हो गया, एंड इसके बाद कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और फिर उसकी जो है रोमन संख्या में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या भाई निकिल है, आप बोलेंगे भैया आपने निकिल को निकिलेट लिख के बताया था, तो भाई मैंने आपको बताया था ऋणायन में, देख लो ऋणायन में एड जुड़ता है लेकिन धनायन में कुछ ऐसा नहीं जुड़ना, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो भाई निकिल डायरेक्ट लिख देना है, याद रखना कन्फ्यूज मत होना, मेरा काम है कन्फ्यूजन को दूर करना, तो निकिल हो गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिर लिखना है यहाँ पर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा और Cl2 भाई क्या होता है क्लोराइड होता है, तो लिख दो आप लोग क्लोराइड ऐसे ठीक है ना, चलो तो क्लियर तो हो रहा है ना कुछ डाउट, जी हाँ बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है नंबर सिक्स, देखो सिक्स नंबर यहां पर ध्यान समझना, और इसमें कह रहा है कि बताओ इसका ऑक्सीकरण संख्या या इसका जो पूरा का पूरा IUPAC नाम है वो सब बताना, तो ब्रैकेट वाला पार्ट भाई बाद में आ गया, तो फिर से यही वाला आपका फार्मूला इसमें अप्लाई होगा ठीक है, यही सूत्र लगना है, तो चलो फिर इस सूत्र के अनुसार हम लोग रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो इसमें सूत्र के अनुसार अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले K3 आ रहा है, K3 को हम क्या बोलेंगे पोटेशियम है ना, मैंने बताया ना कि 3 आ जाए चाहे 4 आ जाए चाहे 2 आ जाए सिर्फ पोटेशियम से हमें मतलब, तो लिखेंगे हम लोग पोटेशियम
पोटेशियम एंड इसके बाद इसमें आते हैं, इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप तो कह रहा केंद्रीय सॉरी यहाँ पर आपका धनायनिक संकर में पहुँच गया है ना, ये धनायनिक संकर है तो ये वाला फार्मूला लगेगा आपका धनायनिक संकर में। देखो धनायन का नाम हम लिख दिए और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर क्या, लेगिन की संख्या और उसका नाम। तो लेगिन की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 को हम हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा। और इसके बाद NO2 को क्या बोलते हैं, तो भाई यहाँ पर नाइट्रो बोलेंगे इसको, ठीक है ना, नाइट्रो बोलेंगे, ये लिगेंड है नाइट्रो, तो हेक्सा नाइट्रो। और इसके बाद यहाँ पर क्या, देखो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और इसमें जोड़ना है 8 जो है आपको पश्च लग्न, ठीक है ना, 8 आपको जोड़ना है। तो 8 अगर आप जोड़ते हैं कोबाल्ट में तो क्या बन जाता है, कोबाल्ट में 8 जोड़ना है तो कोबाल्टेट बनेगा, ठीक है ना, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया क्या, कोबाल्टेट। और फिर कह रहा है कि इसका जो है आपको रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, तो फिर यहाँ पर कोबाल्टेट के बाद लिख दो, इसका 3 निकल के आएगा, आप निकालिएगा जो कि मैंने शुरू में तरीके बताए ना 3 के निकाल के, वैसे निकालना, तो यहाँ पर 3 लिख देना इसको। नेक्स्ट आओ ये भी देखो, ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में, तो भी ये भी आपका ऋणायनिक संकर में पड़ गया, तो वैसे ही आपका नामकरण इसका भी करना है। देखो K2 है तो यहाँ पर भी इसको मैंने बताया कि पोटेशियम ही आपको लिखना है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं रिपीटेड है जो बता रहा हूँ आपको, पोटेशियम हो गया हमारा ये। एंड इसके बाद इसमें आओ तो यहाँ पर वही चीज़ है, देखो सेम टू सेम, यहाँ पर इसका कुछ नहीं बदलेगा, आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आप अच्छे से अगर समझ पा रहे होंगे तो इसमें थोड़ा सा ये डबल हो गया है। देखो इसमें चीज़ें देखो दोनों का सेम है ना, ये दोनों का सेम है, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका लगभग सेम रहेगा, बस थोड़ा बहुत आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बस कर लीजिएगा तो चीज़ें वही रहेंगी लगभग, ठीक है ना, बस इतना आपको ध्यान देना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन के लिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, तो इसको करिएगा आप लोग इसी तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, अगला देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ पर आपके पास OH लिगेंड में दिया गया है, ठीक है ना, तो बस चीज़ों को इसी प्रकार से, यहाँ पर ये तो पोटेशियम है मैंने आपको पहले बता दिया, तो यहाँ पर इसको कर देना भाई पोटेशियम, ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे पोटेशियम कर देंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर अगर आएंगे तो इसमें देखना लिगेंड आपका क्या है, CN है, सॉरी OH है, तो OH को क्या करना है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग पहले इसकी संख्या और फिर इसका नाम लिखना है ना, तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 4 है, 4 को पहले टेट्रा लिख देते हैं, टेट्रा। OH भाई क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है ना, ऐसे हाइड्रोक्सो। और ये क्या है ZN, लेकिन भैया रुको यहाँ पर ZN का नाम जिंक तो है लेकिन इसमें आपको 8 जोड़ना है, ठीक है ना, रासायनिक संकर में 8 जोड़ना पड़ता है, पश्चलग्न, पश्चलग्न का मतलब होता है बाद में, ठीक है ना, अनुलग्न का मतलब होता है पहले या पूर्व में, ठीक है ना, तो जिंक में आप अगर जोड़ेंगे तो बनेगा भैया जिंकेट, क्या बनेगा ये जिंकेट बन जाएगा, ठीक है, ऐसे जिंकेट, तो ये जिंकेट हो गया। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी आपकी 2, निकाल लीजिएगा तो सेकेंड ऐसे लिख देना है, बस खत्म। नंबर 9 है आपका, देखो यहाँ पर इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भैया आपके सामने एक दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ये Na है पहले, तो Na का आपका पता है आपको क्या है, सोडियम होता है, Na को हम बोलते हैं सोडियम, ठीक है ना, सोडियम, तो भाई सोडियम तो हमारा ही हो गया यार, पेन भी यार अच्छे से नहीं चल रहा, सॉरी मेरे जिगरों, तो ये सोडियम है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, लिगन की संख्या नहीं इसका नाम भाई, इसको बोलते हैं यहाँ पर 2 को मैंने बताया शुरू में आपको कि डाई लिखना है, ठीक है, तो 2 को आप डाई लिख दियो, डायरेक्ट डाई हो गया। CN आपका भाई साइनो होता है, तो यहाँ पर इसको लिख दो साइनो, ठीक है ना, साइनो लिख दिए। इसके बाद आते हैं AG, AG में आपको लिखना है, देखो AG सिल्वर होता है, ध्यान समझिएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है 8 जोड़ना है, अगर 8 जोड़ना है तो AG को आपका अर्जेंटम होता है सिल्वर का, तो यहाँ पर इसका आप रासायनिक नाम के अनुसार लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, क्योंकि 8 आपको पढ़ना पड़ेगा अर्जेंटेट, तो 8 आ रहा है ना इसमें, बस खत्म, इतना ही करना। और ऑक्सीडेशन नंबर भाई फर्स्ट होता है, यानी कि 1, तो इसको इस प्रकार से लिख देना है। अगला एक और आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं यहां पर, और इसमें आपको समझना है जो C2O4 है ये क्या है आखिरकार, लिगेंड तो है लेकिन इसको बोलते क्या है, तो समझिएगा इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो, क्या बोलते हैं ऑक्सिलेटो, तो इंपॉर्टेंट है कर लो चलो। तो यहां पर K3 है, तो भाई इसको फिर से लिख दो आप लोग पोटेशियम, वही चीजें हैं, ये काफी रिपीटेड है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पोटेशियम हो गया। इसमें आओ फिर यहां पर, तो ये 3 है, 3 को हम ट्राई लिखते हैं, तो 3 को हम लोग लिख दिए ट्राई, एंड इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो, ठीक है ना,
ऑक्सीलेटो, ऐसे ऑक्सीलेटो हो गया। और फिर आपका क्या है, एल्युमिनियम, Al, मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो है Al है, जिसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखने पड़ेगी। लेकिन 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 यहाँ पर ये है भैया रिडायनिक संकर, क्योंकि ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में आ रहा है, और रिडायनिक संकर के लिए आपको बताया गया है कि 8 जुड़ता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो भाई Al के साथ आपको 8 जुड़ना है, यानी कि एल्युमिनियम को आपको एल्यूमिनेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एल्यूमिनेट, ठीक है ना, एल्यूमिनेट, क्योंकि आप पढ़ो अब एल्यूमिनेट, एट एट आ रहा है ना इसमें लास्ट में, तो भाई जुड़ गया ये पस लग्न, मतलब एट आपका आ गया। और फिर लास्ट में लिख देना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि थर्ड, ऐसे, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलो फिर यहाँ पर ये पूरा का पूरा 10 मैंने IUPAC जो आपको कराया है इसको कर लीजिएगा, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, यूपी बोर्ड के लिए खासतौर पर और इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपका डाउट जो IUPAC से रिलेटेड है वो आपका क्लियर हुआ या नहीं, कॉमेंट में बताइएगा। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है अगर ये पूरा का पूरा अच्छे से टॉपिक समझ में आया है। और इन जो सूत्रों को मैं बता रहा हूं, सूत्रों को एक बार आप लोग थोड़ा सा क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो, ताकि आपको मतलब मिल जाए, मतलब कि कहीं मतलब ज्यादा ये मिलते नहीं है, इसलिए मैं यहां पर पूरा इनको लिख के लाया हूं, और इनका स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, मतलब कि समझने में आसानी हो जाती है। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।